अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनदर अनस्टिच ड्रेस बाय हुसैन रिहार। कोड है इसका अमल, लेट्स सी हाउ इट इज। ओके जी, तो इस ड्रेस का जो है ये भी कपड़ा बहुत सारा दिया भाई। फर्स्ट टाइम ऐसी जो है वो हुआ है कि हुसैन रिहार ने कपड़ा काफ़ी सारा दिया। सेंटर पैनल इसका, ये सेंटर पैनल है, साइड पैनल से हमने इनको सेट किया है ताकि जो है वो सही तरह से पता चल सके कि इस तरह से बनना है। अलबत्ता इन्होंने इस बार कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, मतलब अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनेगा और ना ऑब्वियसली जो आर्म होल का साइज़ बनाया हुआ है तो उससे जो है साइड से थोड़ा कट जाएगा काम ना। तो दामन का बॉर्डर सब चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है ये साइडों की पट्टियाँ, कटवर्क में है ये, और ये दोनों लंबी साइड की पट्टियाँ हैं। इसके ऊपर जो है वर्क जरी वर्क है, ये पन्नी वर्क भी है इसके अंदर ना। अलबत्ता फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो वही वाली है, वो जो लॉन है और काफ़ी सी थ्रू है, लाइट कलर जिसके जमीन का बेस भी नज़र आ रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि इन्होंने कपड़ा काफ़ी दिया। ओके, बैक के भी सेंटर पैनल इनको एक्चुअली सेट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये सेंटर पैनल है बैक का, उसके बाद बैक के साइड पैनल जो है वो प्लेन है। ये लॉन दी हुई है तो सेंटर पैनल एम्ब्रॉयडर्ड है, साइड पैनल जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, सॉरी सेंटर पैनल एम्ब्रॉयडर्ड है, साइड पैनल प्लेन है। और फिर ये बॉर्डर है जो कि आई एम श्योर बैक का ही होगा क्योंकि और मुझे कहीं लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये डबल है, मतलब ये काफ़ी बड़ा है तो कहीं और भी यूटिलाइज किया जा सकता है। सेंटर पैनल में दिखा चुकी बैक का, और उसके बाद है इसका कॉटन का ट्राउजर, फिर है इसकी स्लीव्स, अच्छा स्लीव्स मुझे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि स्लीव्स जो हैं इस तरह से तो बननी नहीं है, साइज चौड़ाई में काफ़ी कम है। वो जो बॉर्डर है वो एक्चुअली ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन वो हो सकता है बैक और फ्रंट के दामन इस पे स्लीव्स पे भी लगाया जा सके क्योंकि स्लीव से वैसे तो ये काम बना हुआ है, लेकिन चौड़ाई में मुझे ये काफ़ी कम लग रही है। तो इसका इतना साइड डबल करके तो ये तो अच्छा खासा जोड़ आएगा इसके साइड पर। इन्होंने किस तरह से बनाया, लाजमी इसके नीचे जो है साइड पे प्लेन में काफ़ी बड़ा जोड़ आएगा क्योंकि ऐसे तो ये हो नहीं रहा है। और स्लीव्स का ये एक कटवर्क वाला बॉर्डर दिया है जो कि मुझे कहीं और दिख नहीं रहा, तो आई एम श्योर ये भी स्लीव स्केच पर लगा होगा क्योंकि एक ही पिक्चर उन्होंने साथ में दी हुई तो ज़ाहिर है उसमें नज़र नहीं आ रहा। और फिर ये इन्होंने फिनिशिंग का कपड़ा दिया होता है जिसमें जिसको इन्होंने जो है शर्ट दुपट्टे के बैक साइड पे यूज़ किया है शर्ट में, लेकिन ये हम भी इतना ही होता है कि किसी एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या तो दुपट्टे में या फिर शर्ट में। प्लेन कॉटन के ट्राउज़र है, कॉटन की क्वालिटी अलबत्ता एवरेज है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, रफ सा जो है वो फैब्रिक है ये, ये अलबत्ता सॉफ्ट है लेकिन कॉटन जो है वो थोड़ा सा रफ सा है। और 2 मीटर दिया हुआ है, हुसैन रिहार ने मुझे 2 मीटर ही दिया होता है, तो 2 मीटर जो है वो तकरीबन 2.5 गज के बराबर होता है। इसमें तो खैर चूड़ीदार है आई एम श्योर हो जाएगा या स्ट्रेट पैंट बन जाएगी, बट प्लाजो वगैरह के लिए जो है वो 2.5 गज या 2 मीटर कम होता है। और एंड में है इसका दुपट्टा, प्रिंटेड सिल्क का दुपट्टा है, अलबत्ता दुपट्टा जो है काफ़ी खूबसूरत, इसका जो प्रिंट है और सिल्क की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और दुपट्टा मुझे देखने में लग रहा है कि जैसे शायद 3 गज हो या 3.5 गज हो, 3 मीटर, आई डोंट नो। एक्चुअली इतनी सारी वीडियोज हम एक साथ बना रहे थे तो सारी पर डिस्क्रिप्शन पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन दुपट्टे का प्रिंट काफ़ी खूबसूरत है और सिल्क की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इट्स लाइक प्योर सिल्क। तो दुपट्टा जो है थोड़ी सी कोई एजिंग हो जाए, क्रोशिया लेस या कुछ, क्योंकि सिल्क को होल्ड करना ज़रा मुश्किल होगा, जैसे उन्होंने जो है कॉइन्स लगाए हैं तो उससे जो है कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। आई होप मैंने सही क्लियर कर दिया, सही मेंशन कर दी हर चीज़, एंड आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट्स अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।